गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास के लेक्चर में हमारा टॉपिक है हेलोजन डेरिवेटिव्स। इन लास्ट क्लास वी हैव सीन द SN1 एंड SN2 रिएक्शन, इन विच वी ऑल्सो हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। टूडे वी विल डिस्कस द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। In general themes, we can say that how the optical activity will be changed or not change. How can we define the optical active substance in various terms? First of all, I want to introduce you with the optical activity. सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि optical activity का mean क्या होता है। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हो तो 11th क्लास में आपने ये देखा है कि आइसोमेरिज्म जो होती है बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल, दूसरी होती है स्टीरियो। स्टीरियो का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो, सबसे पहले सनलाइट होती है, सनलाइट हमेशा मिक्स्ड लाइट होती है। व्हेन मिक्स्ड लाइट इज पासेस थ्रू द निकोल प्रिज्म, इट कन्वर्ट इनटू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हिच ऑलवेज रोटेट इन अ सिंगल प्लेन। When this plane polarized light is also passes through the solution of any alkyl or aryl halide, or other words we can say that any asymmetric compound, then the plane polarized light will be rotated either in clockwise direction or anti-clockwise direction. This phenomena of rotation of light is called optical activity, and the used substance is known as optical active substance. Mixed light thi. निकोल प्रिज्म में से पास आउट हुआ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गया, देन उसको सैंपल के पाथ के अंदर रखा। सैंपल में से पास आउट होने के बाद में जब सब्सटेंस किसी भी डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो जाए तो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, और जो सब्सटेंस यूज हुआ उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कितने एंगल के साथ में रोटेट हुआ है उसको रीड करने के लिए हम एक एपरेटस काम में लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलेरीमीटर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलेरीमीटर? इंस्ट्रूमेंट विच रीड द एंगल ऑफ रोटेशन, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एंगल ऑफ रोटेशन को रीड करता है उसको आप क्या कहते हो? पोलेरीमीटर बोलते हो। पोलेरीमीटर के अंदर एंगल ऑफ रोटेशन और स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन दोनों आते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन हमेशा किसी भी सिचुएशन में मेजर कर सकते हैं, जबकि जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो हमेशा सोडियम लैम्प और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है, जो काफ़ी स्पेसिफाई कंडीशन हो जाती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है पोलेरीमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच रीड द एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को हम काम में लेते हैं उसको क्या बोलेंगे? पोलेरीमीटर बोलेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमको सब्सटेंस में कुछ प्रॉपर्टीज को रीड करना जरूरी होता है। हमें क्या पता चले कि हम सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर किस सब्सटेंस को लें, है ना, सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर किस सब्सटेंस को लें कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे। हम किस क्राइटेरिया में ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको देखो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है ना, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मस्ट बी एसिमेट्रिक। किसी भी तरह की उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली सब्सटेंस एसिमेट्रिक होना चाहिए। आगे इसको रीड करते हैं हम किस किस क्राइटेरिया में ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है इसके बेसिस पे, ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है उसके बेसिस पे जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, है ना, ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर देते हैं उसको हम डी, है ना, स्मॉल डी या फिर प्लस से शो करते हैं, और दूसरा विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरे वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, एक क्लॉकवाइज में दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में रोटेट करने वाले सब्सटेंस को स्मॉल डी ऑब्लिक प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाले सब्सटेंस को एल ऑब्लिक माइनस बोलते हैं। हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होगा? ए सब्सटेंस विच कैन पोलराइज्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू
आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसा सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है उसको हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस मस्ट बी एसिमेट्रिक, ठीक है ना। क्राइटेरिया है उसका कि एसिमेट्रिक होना चाहिए। मॉलिक्यूल विच हैव नो प्लेन ऑफ एक्सिस, कि कोई भी कंपाउंड अगर आपको दे रखा है तो उसको आप एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में से किसी भी एक्सिस से उसका कट लेकर के देख रहे हो, तो किसी भी एक्सिस से उसके दो पार्ट सिमिलर नहीं मिलने चाहिए, तो उसको अपन बोलते हैं प्लेन ऑफ एक्सिस। पॉइंट ऑफ एक्सिस, आप एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हो, किसी भी दो डायरेक्शन में जाने पर सेम एरिया नजर नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, प्लेन ऑफ एक्सिस, पॉइंट ऑफ एक्सिस, एंड तीसरी होती है ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है कि उसके अंदर कंपाउंड को अगर आप मिरर में देख रहे हो, ठीक है ना, मिरर में देख रहे हो तो भी उसके अंदर सिमेट्री नजर नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर देखो आप ये बोल सकते हो, वी कांट गेट टू सिमिलर पार्ट्स दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एसिमेट्रिक पार्ट, कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को किसी भी प्लेन के साथ में, किसी भी पॉइंट के साथ में, किसी भी एक्सिस के साथ में, है ना, प्लेन पॉइंट एक्सिस, है ना, जिसके भी साथ में आप देखोगे पॉइंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई भी अगर आप लेके देखते हो तो दो इक्वल पार्ट्स नजर नहीं आने चाहिए। ऐसा सब्सटेंस क्या होता है, एसिमेट्रिक सब्सटेंस होता है। आप लोगों के एसिमेट्रिक सब्सटेंस जैसे आपका है हाथ होता है, हाथ को अगर आप किसी भी हिस्से से काटते हो तो कोई भी दो, मतलब पांचों फिंगर एक जैसे नहीं होती है, तो बीच से कट लेने पर कोई भी दो हिस्से ऐसे नहीं होते जो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकें। ध्यान रहे, ओवरलैप करते टाइम आपको मिरर पर एज इट इज उठा करके रखना होता है। लाइक मान लो ये मिरर है, आपने हाथ इस तरीके से रखा है, तो जहाँ पे भी आपने कट लिया है उसको एज इट इज उठा के रखना है, क्योंकि अगर आप 180 डिग्री रोटेशन लेते हो तो 180 डिग्री के रोटेशन पे हमेशा सब्सटेंस तो ओवरलैप करेगा ही। तो उठा के रखने का तरीका ये होता है ऐसे, एज इट इज इसको ऐसे, ठीक है। तो जब भी आप ये देख रहे हो मिरर इमेज, तो इसके अंदर यही होगा। आप लोगों की कंडीशन ये आएगी कि कोई भी सब्सटेंस है ना, एल्किल हैलाइड्स में से कोई भी सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए आपको काइरिल कार्बन देखना पड़ेगा। काइरिल कार्बन क्या होता है, एक कार्बन एटम विच इज अटैच विद द फोर डिफरेंट ग्रुप्स। कार्बन की वैलेंसी फोर होती है, अगर उसकी चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो, है ना, चारों वैलेंसी अगर अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो, तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं काइरिल कार्बन, ठीक है ना। काइरिल कार्बन के अंदर सारी वैलेंसी जो है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होंगी, तो उसके अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं काइरिल या एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। जितने भी एल्किल हैलाइड्स जिनके अंदर कार्बन एसिमेट्रिक होगा या काइरिल कार्बन प्रेजेंट होगा, तो काइरिल कार्बन जो है उसकी एसिमेट्री की कंडीशंस को कंप्लीट करता है, इसलिए ऐसा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो हम बोल सकते हैं एसिमेट्रिक सब्सटेंस और एनी सब्सटेंस विच हैव काइरिल कार्बन ऑलवेज शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। एक वर्ड आता है एनेंशियोमर, है ना, एनेंशियोमर। देखो एक ये आता है काइरिल कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल पढ़ लिया अपन ने, काइरिल कार्बन नेवर सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज क्या होता है, शीशे में रखी हुई जो भी चीज़ है, मिरर में रखी हुई जो भी चीज़ है, उसको अगर आप रखते हो तो एक दूसरे के ऊपर रखना किसी भी चीज़ को होता है सुपर इम्पोज, और अगर वो कम्प्लीटली एक दूसरे को ढक ले तो उसको अपन बोलते हैं कम्प्लीटली सुपर इम्पोज हो गया है, अदरवाइज नहीं। ऑन इट्स मिरर इमेज की काइरिल कार्बन के अंदर एसिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो जब भी आप, जैसे मैंने हाथ को उठा के बताया ना, ठीक उसी तरीके से पलटना नहीं है, पलटते ही तो क्या आता है, सेम आ जाएगा। तो जब आप उठा करके रखते हो तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे ये आपने देखा है कंपाउंड, तो इसको उठलते ही तो ये आ रहा है, नहीं, इसको उठाओ, एच जी टीज इसके ऊपर रखो, तो जब इसको उठा करके रखोगे तो ओ एच ग्रुप इस साइड, सी एस थ्री इस साइड आएगा, तो ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो इसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे, व्हाट इज एनेंशियोमर, एनेंशियोमर, ई ए एन ई एन ए एन टी आई यू एम ई आर, एनेंशियोमर, एनेंशियोमर क्या होता है, तो ए कंपाउंड विच इज नेवर सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड एनेंशियोमर, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कि कोई भी कंपाउंड,
है ना, कोई भी कंपाउंड जो अपना मिरर इमेज जो होता है ना, मिरर इमेज तो होता है क्योंकि शीशे में देखेंगे तो मिरर इमेज तो दिखेगा है ना, जो मिरर इमेज तो होता है लेकिन अपनी मिरर इमेज को कभी भी ओवरलैप नहीं करता है, सुपर इम्पोज नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा कंपाउंड जो होगा वो एसिमेट्रिक है, इसलिए सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है ना, एसिमेट्रिक इसीलिए सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है। तो जो एनेंशियोमर्स होते हैं वो मिरर इमेज तो होते हैं, दे ऑल्सो फॉर्म द मिरर, ऑल्सो फॉर्म मिरर इमेज, बट दे नेवर सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, ठीक है ना। अब देखो अगला जो है उसके अंदर क्या आएगा, कोई भी एक सब्सटेंस लिया उसकी चारों की चारों जो वैलेंसी है वो आपने किससे सेटिस्फाई करी है, अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई करी है, और इसके अंदर जब आपने इसको मिरर के अंदर देखा है तो अगर एक सब्सटेंस डी है तो दूसरा एल होगा, या फिर ये बोल सकते हो एक सब्सटेंस प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, या फिर हम बोल सकते हैं एनेंशियोमर आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, एनेंशियोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं क्योंकि अगर एक डी है तो दूसरा एल होगा, एक एल है तो दूसरा डी होगा, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। अगला देखें आप इसके अंदर रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने जो सोल्यूशन लिया उसके अंदर 5 लीटर सोल्यूशन लिया, तो अगर उसमें 2.5 लीटर डी है तो 2.5 लीटर ही एल होगा, है ना। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल कंपाउंड, एक सोल्यूशन जिसके अंदर जितना डी है उतना ही एल लिया है, तो डी उस लाइट को क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा, और एल उसको किस में रखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे सोल्यूशन में से प्लेन पोलराइज लाइट को हम अगर पास आउट करेंगे तो आधा सोल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है और आधा किस में रखेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो ओवरऑल हम ये देखेंगे कि लाइट जहाँ थी वो वहीं की वहीं रह जाएगी, है ना, क्योंकि जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उतना ही किस में करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ऐसा रोटेट करने से उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल कंपाउंड इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना, कि डी और एल का इक्वल इक्वल मिक्सचर या 50-50% जो मिक्सचर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, प्लस माइनस से, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही क्या होगा इसमें, माइनस होगा। ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, है ना, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब देखो रेसिमिक मिक्सचर है ना, उसके लिए एक वर्ड पूछा जाता है, वाई रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इतना तो पता चल गया ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो ओवरऑल जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो सीधी की सीधी निकल जाती है, उसमें किसी तरह का रोटेशन नहीं होता, क्योंकि रोटेशन जितना क्लॉकवाइज चलता है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज वाले की स्ट्रेंथ होती है। ओवरऑल जो सब्सटेंस बचता है ना वो दोनों की स्ट्रेंथ को आपस में क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। तो ये कैंसिल आउट करने की जो प्रोसेस होती है, एक सॉल्यूशन के अंदर एक पार्ट का दूसरे पार्ट का बाहर की तरफ से इफेक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। मान लो कि अगर आपके पास सॉल्यूशन में सिर्फ डी था तो क्या अकेला डी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, नहीं, अगर उसमें बाहर से आप एल सब्सटेंस मिलाओगे तो ही वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसलिए इस वर्ड के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, कैंसिलेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इन रेसिमिक मिक्सचर, कि रेसिमिक मिक्सचर में ऑप्टिकल एक्टिविटी का कैंसिल आउट होना क्या होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देना, कैंसिल आउट कर देना, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने देना क्या होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो ये वर्ड ही आपको याद रखना है, एक्सटर्नल कंपनसेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड अपने आप में ही। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी बेटा एक ही वर्ड है, इनएक्टिव, साथ लिखना इसको, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ही, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता बिकॉज बोथ कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इनटू अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, सो दे नेगलेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को नेगलेक्ट कर देते हैं और सोल्यूशन कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है वाई द रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, बिना किसी
डिस्क्रिप्शन के आपको सिर्फ और सिर्फ ना एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, सिर्फ आपको ये लिखना होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन रेसिविंग मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। फिर है ना उसके बाद में आप लोगों की आती है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन, क्योंकि ये किसका था, SN1 रिएक्शंस के अंदर अपन ने पढ़ा था रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन। और दूसरा वर्ड आप लोगों की आता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन। दो चीज़ें हैं, एक तो होती है कॉन्फ्यूग्रेशन का इन्वर्ट हो जाना और दूसरा होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन। देखो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन में मैं आपको जो बोल रही हूँ वही वर्ड काम में लेना, कि अगर सब्स्टिट्यूशन फ्रंट साइड से हो रहा है तो आने वाला ग्रुप, लिविंग ग्रुप अगर फ्रंट साइड से निकल रहा है तो आने वाला ग्रुप भी कहाँ आना चाहिए, फ्रंट साइड। रिएक्शन की साइट सेम होनी चाहिए, देन तो बोलते हम रिटेंशन इन कॉन्फ्यूग्रेशन। मैंने ये नहीं बोला कि ये सब्सटेंस अगर डी है तो ये भी डी रहना चाहिए, ये एल है तो ये एल, नहीं। मैंने सिर्फ ये बोला है कि अगर फ्रंट साइड से निकल रहा है तो जुड़ने वाला भी कहाँ आना चाहिए, फ्रंट साइड से, इफ़ द सब्स्टिट्यूशन, है ना। अब पढ़ देती हूँ मैं सारे को, इन अ केमिकल रिएक्शन इफ लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट फ्रॉम सेम साइड, समझ आई, मीन्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज इज कॉन्स्टेंट, है ना, जहाँ से एक्सचेंज हो रहा है वो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। दिस मैनर इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन, ड्यूरिंग दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी मे बी चेंज और नॉट। इस टाइम में डी का डी भी रह सकता है, डी का एल भी हो सकता है, ये एक क्या होता है अनफॉर्चुनेटली ये केस होता है कि डी का डी या डी का एल में होना, ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। तो ध्यान रखिए साइट का कांस्टेंट होना क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन का यही मतलब है फ्रंट साइड से निकला तो फ्रंट पे ही अटैक होना चाहिए। इन्वर्जन इन कॉन्फ्यूग्रेशन का क्या मतलब है कि अगर फ्रंट से निकल रहा है तो बैक से अटैक, अगर बैक से निकल रहा है तो फ्रंट से अटैक। डायरेक्शन का चेंज हो जाना क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ्यूग्रेशन हो जाता है। मैंने कतई नहीं कहा है कि डी का एल में, एल का डी में, नहीं। एल और डी क्या होते हैं, अपने आप होती हैं, अलग कॉन्सेप्ट होती है। एल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। सिर्फ ये है डायरेक्शन का चेंज होना क्या है, इन्वर्जन इन कॉन्फ्यूग्रेशन, और डायरेक्शन का कॉन्स्टेंट होना क्या होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ्यूग्रेशन होता है। रिटेंशन इन कॉन्फ्यूग्रेशन SN1 रिएक्शन का करैक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, उसमें फ्रंट साइड से ही अटैक होता है, बहुत कम उसमें बैक साइड से अटैक हो पाता है, लेकिन डोमिनेंट क्या होता है उसमें, फ्रंट साइड का ही अटैक। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन, एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन इज द बेस्ट करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में हमेशा इन्वर्जन होता है, जिसको अपन वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको डिफाइन किसने किया था, वाल्डन ने डिफाइन किया था। फ्रंट साइड के बजाय न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद में वो ऐड होता है। तो डायरेक्शन का इन्वर्ट हो जाना, डायरेक्शन का रिवर्स हो जाना क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ्यूग्रेशन होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। कोई ऐसे लिख दे कि कोई बच्चा की प्लस का माइनस में बदलना, डी का एल में, नहीं, ये सब मैंने वर्ड काम में नहीं लिए, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब आपको, ठीक है ना। डायरेक्शन चेंज हुई तो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन है, डायरेक्शन चेंज हो गई तो क्या है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है। आज के लेक्चर में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको टर्म्स बताई हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी से, सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। एनीवे ये टर्म्स जो है स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आप लोगों की आती हैं, तो आपको ध्यान रहनी चाहिए एक एक टर्म से। यहाँ पे छोटा क्वेश्चन बनता है, सिंगल 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, काइरिलिटी क्या है, इनेंशियोमर क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या है, पोलेरियोमीटर क्या है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपको आज की क्लास के जितने भी टॉपिक्स हैं वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। और एक ये जितने भी बच्चे हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। बहुत कम शेयर मिलता है, इसलिए आप मोस्ट ऑफ क्या करें, इसको शेयर करते जाएं, क्योंकि ये पब्लिक अकाउंट है, मैंने इसको कोई प्राइवेट अकाउंट में नहीं डाल रखा है, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस, और वीडियो लाइक करना तो बनता ही है, समझ आता है तो लाइक भी करें इसे।